बर्नपुर हॉस्पिटल 4.2 किलोमीटर के टोटल 200 बीघा का प्रोजेक्ट है। स्टार्टिंग जो प्राइस है वो 6.5 लाख पर कट्ठा। अच्छा, तो फिलहाल हमें यहाँ पर जो है डुप्लेक्स देखने को मिलेगा, सिंप्लेक्स देखने को मिलेगा और प्लॉट देखने को मिलेगा। हाँ। ये जो है 30 फीट का रोड है। हाँ। तो अभी ये अभी भी काम चालू है। एंड एक चीज जो मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर सारे स्ट्रीट लाइट जो है लग चुके हैं। पर मतलब जितना भी जो भी रहता है, मतलब प्लॉट के रिगार्डिंग जैसा भी पेपर रहता है, सब कुछ अवेलेबल, सब। सो वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। सो अभी हम लोग है गाइज आसनसोल स्टेशन के पास। यहाँ से गाइज मैं आप लोगों को लेके चलूंगा एक अमेजिंग प्रॉपर्टी के पास। सो अब तक शायद आपने देख लिया होगा गोविंद नगर का रील मेरे इंस्टाग्राम पे। सो काफी अमेजिंग सा व्यू है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, साथ ही साथ मैं आपको बाई रोड जो है उस प्रॉपर्टी में लेके जाऊंगा, जो कि काफी पॉल्यूशन फ्री, इको फ्रेंडली एंड चारों तरफ ग्रीनरी है। सबसे बड़ी बात गाइज, आपको वहां से बिहारी नाथ हिल देखने को मिलेगा। सो ये इको फ्रेंडली गोविंद नगर जो प्रोजेक्ट है गाइज, ये आसनसोल स्टेशन से आपको लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिलेगा। रास्ते में हमें जो है बर्नपुर स्टेशन भी देखने को मिलेगा, वहां से सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर है। तो देखते देखते गाइज हम लोग आ चुके हैं बर्नपुर रोड में। ये रोड गाइज सीधा हमें लेके जाएगी गोविंद नगर प्रोजेक्ट तक। यहाँ पे गाइज आपको सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, बंगलो, ओपन प्लॉट भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ गाइज आपको स्ट्रीट लाइट, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, टेम्पल, सिक्योरिटी गार्ड एंड सीसीटीवी कैमरा भी देखने को मिलेगा। फिलहाल गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे पहले से पता थी। अब गाइज मैं आपको जो है सीधा प्रोजेक्ट पे लेके जाता हूँ, वहाँ का व्यू दिखाता हूँ। एंड काफ़ी अमेजिंग सा व्यू है गाइज, नेचर के बिल्कुल ही क्लोज। ये गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गोविंद नगर सोसाइटी, जो कि मेरे राइट साइड में है। थोड़ी दूर अगर सीधा हम लोग चले जाए तो हमें देखने को मिलेगा बर्नपुर का फेमस नेहरू पार्क। एंड और थोड़ा दूर गाइज पहले नेहरू पार्क से पहले अगर हम राइट लेते हैं तो हमें रिवर साइड नदी देखने को मिलेगा। इससे पहले जितने भी प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोगों ने वीडियो बनाया वो शहर से थोड़ी दूर पे थे, बट ये गाइज जो है शहर के बिल्कुल बीचों बीच, नेचर के बिल्कुल क्लोज। यहाँ से आपको मेरे सामने जो है बिहारी नाथ पहाड़ भी देखने को मिल रहा होगा। सामने गाइस आपको जो है दामोदर रिवर देखने को मिलेगा। सो इनका जो लोकेशन है काफ़ी अमेजिंग है, एनवायरनमेंट काफ़ी सही है। मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट, पूरा प्रॉपर्टी गाइस इस वीडियो में बताता हूँ। तो फाइनली गाइस हम लोग जो है प्रॉपर्टी पे आ चुके हैं। एंड ये गाइस प्रॉपर्टी गाइस काफ़ी सही है, लोकेशन इनका बहुत मस्त है। तो ये जो गाइस मेन रोड देख रहे हो, ये बर्नपुर का मेन रोड है, और इधर से आप सीधा चले जाओगे तो आपको गाइस 500 मीटर 1 किलोमीटर में आपको नेहरू पार्क देखने मिलेगा। एंड ये वाली जो प्लॉट है गाइस, पूरा प्रॉपर्टी जो है काफी इको फ्रेंडली है, चारों तरफ आपको बहुत ही ग्रीनरी देखने को मिलेगा। और जस्ट इसके पीछे गाइस, ग्रीनरी के जस्ट पीछे आपको दामोदर रिवर देखने को मिलेगा। अगर गाइस आप दामोदर रिवर क्रॉस कर जाते हो तो आप पहुंच जाओगे बांकुड़ा। एंड यहाँ से गाइस काफी खूबसूरत नजारा है बिहारी नाथ पहाड़। सो इससे पहले काफी सारे वीडियो में मैंने बिहारी नाथ पहाड़ जो एक्सप्लोर किया है, वहाँ पर काफी सारे मंदिर है एंड काफी इको फ्रेंडली ये प्रोजेक्ट है। आसपास में बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक गाइज इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहूँगा। तो प्रॉपर्टी का गाइज जो नाम है, इस प्रोजेक्ट का नाम है गोविंद नगर सोसाइटी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बीआरएस स्कूल बर्नपुर, रिवर साइड स्कूल जो है 1.3 किलोमीटर के दूरी पे है, सेंट जूड स्कूल जो है 2 किलोमीटर। एंड इसी तरह से गाइज कुछ बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि बर्नपुर हॉस्पिटल 4.2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको देखने को मिलेगा, बर्नपुर मार्केट 4.7, बर्नपुर रेलवे स्टेशन अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने क्रॉस करके आए वो इस 3.6 किलोमीटर, नेहरू पार्क 1 किलोमीटर इधर एंड दामोदर रिवर गाइस 1.8 किलोमीटर में। ठीक है, तो मैं आपको सारा कुछ गाइस ड्रोन शॉट में दिखाऊंगा। जस्ट प्रॉपर्टी के पीछे जो है, इस प्रोजेक्ट के पीछे काफ़ी इको फ्रेंडली व्यू मिल जाएगा। सो जो लोग यहाँ पर रहने के लिए सोच रहे हैं तो उनके लिए एक काफ़ी अच्छा मतलब ऑप्शन रहेगा। सो मुझे फिलहाल जो है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है लोकेशन के बारे में, और प्रॉपर्टी के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। तो फिलहाल हम लोग अंदर चलते हैं प्रॉपर्टी में, आपको दिखाता हूँ। एंड कोई जो गाइज मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव मैनेजर जो भी है गाइज, उनसे हम लोग बात करते हैं एंड प्रॉपर्टी के बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज मैं आपको देने का कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो फिलहाल हमें यहाँ पर जो है डुप्लेक्स देखने को मिलेगा, सिंप्लेक्स देखने को मिलेगा और प्लॉट देखने को मिलेगा। हाँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्लॉट की बात करते हैं, क्योंकि ये वाला जो एरिया है
रहने के लिए मुझे काफी सही लग रहा है, काफी ज्यादा इको फ्रेंडली एंड ग्रीनरी प्रोजेक्ट है चारों तरफ गाइस, बहुत ज्यादा ग्रीनरी। मैं आपको ड्रोन शॉट में दिखाता हूँ एंड जस्ट इसके पास ही आपको जो है नियरेस्ट रिवर साइड में आपको दामोदर रिवर देखने को मिलेगा। थोड़ी देर बाद गाइस हम लोग वहां पर ही चलेंगे, देखेंगे कितना नजदीक है, वहां का नजारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, खास करके गाइस यहाँ से बिहारीनाथ पहाड़ का व्यू। तो प्लॉट की अगर बात करते हैं तो प्लॉट से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो प्लॉटिंग मतलब क्या प्राइस स्टार्ट? तो गाइस मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, जितना ज्यादा हो सकता है मैं इंक्वायरी करता हूँ, क्वेश्चंस वगैरह क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, अगर इससे भी ज्यादा कुछ इंक्वायरी हो तो मैंने गाइस नंबर दे रखा है, आप कॉल करके पूछ सकते हो। कैसा लगा मुझे जरूर बताना, सारा इन्फॉर्मेशन गाइस मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इवन आपको एक फोन नंबर भी दे रखा है जो आपको हेल्पलाइन के हिसाब से काम करेगा, जो भी आपकी इंक्वायरीज है वो क्लियर कर पाएगा, चाहे लीगलिटीज हो, पेपर्स के बारे में हो, या फिर जमीन के बारे में, या फिर इस प्रॉपर्टी का, इस प्रोजेक्ट का लोकेशन के बारे में हो, तो आप चाहो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो को इस कैसा लगा मुझे जरूर बताना, मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।